गवर्नमेंट ने कि हर जगह वो चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। मॉडल आता है एक पांच गियर वाला, आता है एक छह गियर, अब इसमें देख लो छह गियर है भाई, ये छह गियर। लेकिन जो सिस्टम है ना भाई, लाइक आज के नए नए सिस्टमों का, यहाँ पे F&D ओरिजिनल है क्या सीन भाई, ये ओरिजिनल स्पीकर भी, गाड़ी देखो ना भाई, जेड ब्लैक करा रखे फ्रंट टॉप की बात है, अपने डिस्प्ले लगा सकते भाई ने लगा के, नीचे है प्रोजेक्टर टाइप में है और ऊपर LED है भाई। अपना नोएडा गाजियाबाद के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर पहली ऐसी ट्रेन है जो कि भाई आपको मॉडिफाइड मिलेगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी व्लॉग्स पर। और आज की वीडियो हमारे साथ भाई रहने वाली है गाड़ी अपनी ट्रेनो। भाई मैं कह रहा हूँ वन इन ओनली वाला सीन है इस ट्रेनो के साथ, क्योंकि भाई आपने बहुत ही कम, पहली बात तो ये ट्रेनो यार पहले चलती थी, अब बहुत ही कम है मार्केट के अंदर, लेकिन जो भी है ना भाई, अपनी भाई ने करा रखे भाई फुल्ली मॉडिफाई अपनी ट्रेनो। भाई ज्यादा देरी नहीं करते, मिलवाते गाड़ी के ओनर से और करते हैं आज की वीडियो। भाई एकदम बढ़िया भाई, जैसा अपना देख रहे हो भाई गाड़ी बना रखी है भाई, एक नंबर है भाई। जैसा मैं स्टार्ट करते हुए बता रहा था कि भाई ट्रेनो ना है तो बहुत सारी, लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये पहली ट्रेनो ऐसी देख रहा हूँ जिसके अंदर भाई मुझे मॉडिफिकेशन और अलॉय व्हील मिले। बिल्कुल है ये बात जी। तो भाई ये बात क्लेम कर सकते हैं अपनी वीडियो में? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते। नोएडा गाजियाबाद के अंदर, बिल्कुल भाई, भाई अपना नोएडा गाजियाबाद के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर पहली ऐसी ट्रेनो है जो की भाई आपको मॉडिफाइड मिलेगी, और मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी पहली बार आ रही है। हाँ भाई पहली बार है, पहली बार है। तो अपने भाई करण भाई, हम ऑलवेज अपनी वीडियो में शुरू करते हैं भाई अलॉय व्हील से, तो बात करते हैं भाई अपने अलॉय व्हील्स। तो भाई इसके अंदर कंपनी कितने देती है और आपने कितने लगवाए? कंपनी भाई 16 इंच देती है। हाँ। ये अपग्रेड 18 में है ये। तो 16 से आपने 18 इंच कराया है। हाँ। तो भाई जैसा देख रहे हो अपने 16 से भाई ने 18 इंच यहाँ पे कराया है। तो भाई अभी टायर की प्रोफाइल में आपको बताऊँ तो 255/55R18। तो भाई प्रोफाइल भी अच्छी है, मतलब भगाओ दौड़ाओ लो प्रोफाइल भाई, काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है। इससे कहीं अगर गड्ढे आए या उससे अलॉय पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सही बात है। बाकी वैसे भाई देख रहा था काफी रेस ड्राइविंग करते हो भाई, थोड़ा स्लो ही चला करो। शुरू करते हैं भाई अलॉय व्हील्स, जैसे मैंने आपको बताया अपना 18 इंच का भाई ने यहाँ पे अलॉय व्हील इंस्टॉल कराया। तो भाई अभी कंफर्ट में कोई दिक्कत आ रही है? भाई कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, गाड़ी की स्टेबिलिटी और बढ़ गई है, और बढ़ गई है, हैवी हो गई, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी है ना भाई, लो नहीं कराया इसलिए। चलो भाई देखो, ओवरसाइज टायर है गाड़ी के हिसाब से थोड़ा। हाँ वैसे गाड़ी के हिसाब से थोड़ा ओवर है, स्टीयरिंग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बहुत हल्का सा, 19-20 भी नहीं कह सकते, 19-20 भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बिल्कुल 4-5 साल से मतलब जो कंपनी वाले थे तो उनके बाद अब ये लगाया, अब इसके बाद भी प्लान है चेंज करने का अभी जल्दी में ही। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रेनों में भी पैसा लगाना है दवा के? हाँ भाई शौक है। हाँ भाई सही बात है, मुझे भी बहुत शौक है भाई अलॉय व्हील्स का। तो भाई शौक वाली बात है ना, शौक की कोई कीमत नहीं है और शौक का कोई मन नहीं है भाई, कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो भाई ये हो गए अपनी अलॉय व्हील्स की बात, बाकी भाई फ्रंट में बात करते हैं। तो करण भाई ये बताइए, फ्रंट में अपनी गाड़ी में आपने क्या क्या करा रखा है? भाई मेनली इसमें फॉग लैंप आते हैं, बट वो येलो जो कंपनी देती है स्टॉक। हाँ। में ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। सो वो हटा के नीचे है, प्रोजेक्टर टाइप में है और ऊपर LED। तो भाई अपने ऊपर LED कौन सी कंपनी की डलाई हुई है? इसमें रेस मैक करके आती है उसकी, 70 वॉट वाली है। अच्छा, और ये 40 वॉट की इसकी कंपनी आ रही है। तो भाई हाई और लो भी में भाई अपने जैसा देखो, एक 70 वॉट है, एक 40 वॉट। हाँ ठीक है भाई। तो बात करें भाई फ्रंट में, जैसा भाई ने करा रखा और बाकी अपना जैसा देख रहे हो भाई, रोड्स वाले हॉर्न लगे हुए हैं, नंबर प्लेट भी चेंज है। तो भाई HSRP वाला सीन कैसे नहीं? भाई HSRP वो है कि क्या कहते हैं, वो अब जरूरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि हर जगह वो चलनी चाहिए, थोड़ा इसमें लुक इनहांस होती है गाड़ी। हाँ, की तो इसीलिए आपने ये अपना प्रीवियस वाला, ऐसे ऐसे भाई कोई वो अलग कोई गलत काम नहीं है, गलत काम नहीं है, शौक के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो जैसे ना आप पूरी गाड़ी देखो ना भाई, जेड ब्लैक करा रखी है, फ्रंट भी जेड है। वैसे तो करण भाई मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जेड ब्लैक भाई की देखा देख कराओ या वैसे भी कराओ, डिस्क्लेम ही करता हूँ मैं। बाकी भाई जेड ब्लैक करा रखी है, अच्छी लग रही है देखो, है ना भाई। वैसे में भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी जेड ब्लैक को कोई बढ़ावा नहीं है,
ठीक है जी भाई, अपनी नंबर प्लेट होगी, जेट ब्लैक होगी, फ्रंट का लुक हो गया, साइड का हो गया, अपने भाई सारे सिनेमैटिक देख लेंगे। अब चलते भाई एक बार बैक पे। हाँ जी ठीक है भाई, बैक पे एक बार अपने भाइयों को दिखाते हैं। पे भी भाई ने पूरी मतलब चारों तरफ से जेड है। हाँ भाई चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो भाई एक बार ना बूट खोल दीजिए, क्योंकि बैक पे तो आपने कुछ ऐसा काम नहीं कराया। नहीं भाई, बस नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट है भाई, अच्छी लग रही है ब्लैक गोल्डन में, बढ़िया कॉम्बिनेशन भाई ने यहाँ पे बना रखा है। तो भाई ये देखिए भाई, जो मैं आपको दिखा रहा था ना गाड़ी के अंदर, सिस्टम तो काफी पुराना है, लेकिन जो सिस्टम है ना भाई, आज के नए नए सिस्टमों का पानी निकाल देता है। सही बात है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई जी, इसमें भाई अभी वैसे 4 चैनल एम्प पे, 2 चैनल है। हाँ। अभी मोनो की रिक्वायरमेंट है, मोनो मैंने एक जगह देखा है, मुझे मोको का मोनो देखा है मैंने। अच्छा वो लगने के बाद फिर इसके लाइक फिट बीटर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात, ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई बात करें भाई अपने यहाँ पे ओवल बोल दो भाई, ये अपने पाइनर के आते थे 2150 भाई, बहुत प्यारी चीज है। आउटपुट इसमें एक सराउंड है, स्पेशली इसमें क्या है आप देख सकते हैं, जैसे कि इस वाले देखिए। हाँ जी, ये स्पीकर, इसमें 2 ट्विटर है, अलग दो ट्विटर आते हैं, सब वर्किंग है इनकी। मतलब ये मेरे हिसाब से होंगे 4-5 साल पुराने, बट आउटपुट अब भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। तो भाई अब तो ये नए आते नहीं है, अब नए आते ही नहीं है, और पुराने भी अगर आपको मैं इसकी की शॉर्टी दे सकता हूँ, अगर आपको कोई 5-7 हजार से कम दे दे, दे कोई दे। पुराने तो मैं ले लूंगा 2150 ना, बहुत प्यारी चीज है। बाकी भाई अपनी JBL की GT सीरीज, जो कि भाई आजकल तो मिलती नहीं है, नहीं मिलती, पर भाई अभी भी आउटपुट बहुत नेक्स्ट लेवल है, भाई नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि भाई वूफर प्यारी तरीके से खुले होंगे भाई। बाकी कितने वॉट के, क्या सीन कुछ याद हो भाई? वॉट सच कुछ पता नहीं है, आई गेस 300-350 RMS का होगा, लेकिन भाई बहुत प्यारा बचता है। बाकी भाई अपनी एम्प पे बात, हां जी आपको रोकने के लिए सॉरी, बट का जो कंपनी बना के देती है इसकी क्वालिटी, तो इसमें अलग ही आउटपुट आता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ये पेटी ना सारी मशीन से बनी हुई थी, हैंडमेड नहीं होती है, इसलिए इनकी भाई आउटपुट भी अच्छी आती है। और प्लस ना सबसे बढ़िया बात क्या है भाई, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जगह भी कम गिर रही है, जैसा अपना देखो ना काफी है, बूट स्पेस में कोई कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बाकी सामान वान भी रखो तो वूफर फटने का भी कोई डर नहीं है इसमें, सब दे रखे हाँ, अपने सपोर्टर्स लगे हुए हैं वूफर को बचाने के लिए भाई अपने। बाकी बात करें भाई अपना जो एम्प है भाई, वो कौन कौन से डले हुए हैं इसमें? एक V12 है 4 चैनल का, ठीक है जी, V12 4 चैनल, और एक हमान का 2 चैनल है, ठीक है। अब आने वाले लाइक 1-2 हफ्ते के अंदर मोनो लग जाएगा इसमें, सो अच्छा। ये चैनल हटा के ये 4 चैनल आ जाएगा और मोनो आ जाएगा, मोनो आ जाएगा, तो भाई नेक्स्ट लेवल हो मोनो जाएगा। से मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि बेस का आउटपुट मोर देन लाइक नेक्स्ट लेवल वाला ही हो जाएगा, आप कह सकते हैं। अभी भी काफी डिसेंट से तो ऊपर ही अभी भी, ठीक है भाई, बहुत अच्छा यहाँ पे करा रखा है। बाकी भाई अपना अंदर चलते हैं, अंदर देख लेते हैं अंदर स्पीकर में क्या क्या काम हो रहा है। जैसे भाई गाड़ी के अंदर आ गए भाई, यहाँ पे FND ओरिजिनल है क्या सीन भाई? ये ओरिजिनल स्पीकर है। अच्छा, ये वूफर उसके साथ जो आते हैं, होम थिएटर के साथ आते हैं, बट क्या है मेरे पे FND के इससे भी जो थोड़े लाइक अपग्रेडेड वाले हैं उससे थोड़े बड़े हैं वो, अच्छा। सो मेरे रिपेयरिंग के लिए गए अभी, उनका भी आउटपुट मैं कह रहा हूँ ट्विटर जो है ट्विटर को मात दे सकते हैं ये, है ना भाई? अगर इनमें रिले लगा दें तो मैंने भी रिले की रिक्वायरमेंट है, अभी रिले आएगी मेरी 2-4 दिन में, जी जी। सो रिले से अगर मैंने एम्प से रन कर दिए तो ये जो गेट के स्पीकर है इनसे भी तेज है, तेज आवाज देगा। तो गेट में अपने कोएक्सल डले हुए हैं, कोएक्सल है, JBL के हैं, और पीछे हाइपरसोनिक के 2। अच्छा भाई, पीछे अपने हाइपरसोनिक के डलवा रखे, आगे अपने JBL के कोएक्सल डलवा रखे। बाकी भाई म्यूजिक सिस्टम में इतना अपग्रेड है, तो भाई एक बार बंदों को सुनाई देते हैं कैसी आवाज है, तो एक बार गाना चलाते हैं। बाकी भाई अपना जो अपना टच देख रहे हो, जो अपनी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे कोई और करा दो ना मजा। मैंने भाई करवाया था इसमें एंड्रॉइड लगवाया था 2GB 16GB वाला, हाँ वो तो चाइनीज है, बट उसमें आउटपुट है ही नहीं, खत्म है, बिल्कुल खत्म है। मेरा कहने का कि जो कंपनी का आउटपुट है उससे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, कंपनी का आउटपुट अपना लग ही आता है। तो एक बार आप लोगों को गाने सुनाते हैं। तो भाई जैसा आपने, हम पता है बाहर क्यों आए थे, अब अपने भाइयों को बताते हैं हम बाहर क्यों आए थे, भाई आप ही बताइए। भाई बाहर इसलिए आए थे, अभी बस ये तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आप इसको, कोई परमानेंट मैंने किया नहीं है। हाँ जी हाँ जी। सो एक 25 वॉट वाले है, मतलब बाल्टी कहते हैं जैसा आप उसको, सो उससे भी बस कुछ दिन के लिए कनेक्ट करा रखा है मैंने, वो है मेरे ऊपर से कनेक्टेड पर उससे करा रखा है। सो उससे वोकल क्या होता है कि जैसे गाना चलाओगे आप अंदर, तो उससे वोकल बिल्कुल क्लियर आती है बाहर, बिल्कुल क्लियर आती है, मतलब गाना सुनाई देता है। हाँ, तो भाई बाहर भाई ने जो है ना भाई बाल्टी एक बार भी लगा रखी है,
भाई ने एक बाल्टी बाहर भी लगा रखी है, जिसकी वजह से क्या है भाई अंदर की आवाज बाहर भी आती है। हाँ। तो वोकल ना ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज लाउड है भाई। वोकल क्या है, अगर लाइक अंदर से सिंक्रोनाइज होकर आती है तो बंदों को ये नहीं पता चलता कि बाहर से आवाज आ रही है, बाहर से आवाज आ रही है, लगता है कि वो अंदर की आवाज घूम के आती है, घूम के आती है। और भाई बेस तो भाई अपने जैसे सुना भाई, आउटपुट काफी अच्छा है। बाकी भाई ना भाई ने थोड़े कमी बजाए क्योंकि भाई अपना एरिया थोड़ा ऐसा ज्यादा तेज नहीं बजा सकते गाने, तो इसलिए भाई थोड़ी लो साउंड में बजाए। बाकी मोनो एम्प लगेगा जल्दी आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर, सो आउटपुट सुनेंगे उससे, उसके बाद कुछ अलग ही मजा आ जाएगा। बिल्कुल भाई बात है। तो भाई बाकी हमने अभी गाड़ी पूरी कवर कर ली है। हाँ भाई, कुछ रानी आज की वीडियो में तो भाई बाकी वो नोएडा वालों की बात, वो हूटर वो तो है भाई, देखो एक बार हूटर भी चला ही देते हैं। वैसे तो भाई रिकमेंड नहीं करते हम हूटर वगैरह को, एक बार सुना देते हैं। बिल्कुल भाई, लोग जैसा आपने देखा भाई हूटर बहुत हल्की हल्की बजा रहे हैं, क्योंकि भाई पता है क्या थोड़ा पब्लिकली एरिया है तो भाई नहीं बजा सकते, क्योंकि भाई ये सारी चीजें नॉन रिकमेंडेबल है भाई। कोई भी सोचो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं, शौक की बात है, अपने रिस्क पे लगा सकते हो। अपने रिस्क पे भाई ने लगा रखी है, वो भाई चला रहे हैं इसीलिए। तो अपने करण भाई एक चीज बताइए, लास्ट में भाई वीडियो में ना हम दो ही चीज पूछते हैं हमेशा भाई। पहली चीज तो ये पूछते हैं कि गाड़ी एवरेज कितना देती है, और दूसरी चीज है गाड़ी में कितना पैसा लगा दिया। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं अपना भाई एवरेज जो है अभी फिलहाल एवरेज अपना कितना दे रही है 18 इंच पे। 18 इंच में लाइक वैसे तो गाड़ियों की एवरेज काफी गिर जाती है, तो बट इसकी लोकल में 20-22 दे देती है 18 इंच में डीजल पे। डीजल में भाई ये 1.4 लीटर है टर्बो इंजन है, 6 गियर वाला, 110 bhp आती है इसमें। हाँ हाँ। जैसे किसी को नॉलेज हो, डस्टर में और ट्रेनों में काफी मॉडल आते हैं, 5 गियर वाला आता है, 6 गियर, आप इसमें देख लो 6 गियर है भाई, ये 6 गियर वाली, 6 गियर वाली है। तो इसकी एवरेज काफी अच्छी है, 6 गियर पे आरपीएम 2000 नीचे तो एवरेज निकाल देती है। हाईवे पे देखा जाए तो यहाँ लोकल में तो 20-21 आ जाती है, हाईवे पे देखा जाए तो कभी कभी 26-27 देती है। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, आप डाल देना। जी जी जी, 26-27 देती है हाईवे। तो भाई देख रहे हो अपना भाई इतना प्यारा एवरेज निकाल लिया, बिल्कुल मतलब ये हाँ मोर देन इनफ हो गया। और भाई मतलब एसयूवी में आती है भाई। हाँ, ये गाड़ी ऐसी बात नहीं है भाई, कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है। देखा जाए तो सीएनजी गाड़ी से ज्यादा रिलायबल है। हाँ भाई, लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना प्रॉब्लम नहीं, बट तब भी एवरेज बहुत बहुत है। हाँ भाई, मोर देन इनफ भाई ने जैसा बताया, बहुत प्यारा अपना एवरेज निकाले यहाँ पे। तो भी इसकी 15-16 से ज्यादा, 16 से कम है ही, है ही नहीं। तो भाई एवरेज के मामले में तो एक नंबर लगी मुझे गाड़ी। चलो भाई बहुत बढ़िया बात बात है ये वाली। तो भाई की अब भाई ये और बताइए गाड़ी में अपना टोटल खर्चा कितना आ गया भाई मॉडिफिकेशन में। खर्चा ऑलमोस्ट लग गए होंगे 1.5 के अप्रॉक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई अपना 1.5 लाख 160 के आसपास भाई बता रहे हैं इतना खर्चा भाई ने आने वाले टाइम में और कर रहे हैं भाई। बिल्कुल भाई, अपना मॉडल कौन सा था ये भाई? ये 2014 मॉडल, 2014 मॉडल है। फिर भी देख रहे हो भाई अपना बहुत कम लोग हैं जो निसान ट्रेनो में पैसा लगा रहे हैं आज की डेट में। तो बंदे सोचे गाड़ी चेंज करे, लेकिन भाई आपको प्यार है इस गाड़ी से। हाँ बिल्कुल, बिल्ड क्वालिटी तो इसकी मैं कह रहा हूँ अच्छी, ऑलमोस्ट देखा जाए तो किया क्रेटा की अपनी रेंज की गाड़ियों से बिल्ड क्वालिटी इसकी लाख गुना ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, लोहे की क्वालिटी बहुत मोर देन भाई बहुत अच्छी है। वैसे भी मैं बैठ के आया तो भाई गाड़ी में एक भारी सा फील आ रहा था कि भाई भारी सी चीज में बैठे हो, रगड़ है गाड़ी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भाई बाकी यही थी सारी अपनी वीडियो। अगर भाई कोई भी क्वारी तो ना भाई से कमेंट करके एक बार पूछना भाई, अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। तो भाई करण अवाना 7 भाई की इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी भाई कोई भी दिक्कत बाजी हो या कोई भी सीन हो तो भाई अपना मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछना है, रेगुलर बातें करेंगे इंस्टाग्राम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, कोई भी क्वारी तो कमेंट करके भाई जरूर पूछ लें। भाई को बहुत सारा प्यार दो, हमारे भाई हैं। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, आप भी देख रहे हो मेहनत कर रहे हैं हमसे ज्यादा भाई की। जी भाई को प्यार दे और बहुत अच्छे से वीडियो को आगे पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें। जी 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 भाई, तो भाई ने इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोले तो भाई थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करी दो। और बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।